नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादिवश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है, सिक्स हाउस का लॉर्ड होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से अष्टम, अपने स्थान से अष्टम भाव और कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो जाता है। यहाँ से यदि गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से यह अष्टम स्थान पर है और कुंडली के लग्न स्थान में है। ऐसे में यह एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के तो अपने कंटेंट्स जो होंगे, जो इफेक्ट्स होंगे, जो प्रभाव होंगे वो शुभ होंगे, लेकिन प्रथम भाव के प्रभाव को यह नष्ट करने वाला होगा। प्रथम भाव के सकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने वाला होगा, नकारात्मक बनाने वाला होगा। देखिए, हमने पहले बात करी थी एक सिद्धांत की कि जब भी नकारात्मक भाव का स्वामी सकारात्मक भाव में बैठता है, नेगेटिव भाव का स्वामी पॉजिटिव भाव में बैठता है, तो वह इंटर एक्सचेंज करता है गुणों का। जैसे छठा भाव होता है तृक भाव और छठा भाव होता है त्रिषडाय भाव। छठे भाव को दो उपमाएं दी गई हैं, एक तृक भाव की, एक त्रिषडाय भाव की। इसका मतलब यह हुआ कि यह विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रखने वाला भाव होता है। इस भाव का स्वामी सूर्य जब एक कुंडली के सबसे शुभतम भाव में स्थित हो जाता है, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस भाव में स्थित हो जाता है, इट मीन्स कि लग्न में स्थित हो जाता है, तो छठे भाव से संबंधित सारे अवगुण यह लग्न को प्रदान कर देने वाला होता है और खुद स्वयं यह शुभ हो जाता है। क्योंकि वह इसलिए शुभ हो जाता है क्योंकि लग्न के जो भी पॉजिटिव कंटेंट्स है उसको यह एब्जॉर्व कर लेता है, इसको यह धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में सूर्य शुभ प्रभाव देने वाला होगा, लेकिन लग्न अशुभ हो जाएगी। लग्न अशुभ से मतलब यह हो गया कि छठे भाव से संबंधित सारे अवगुण इसमें पहुंच जाएंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। अन्य भी बहुत से इस भाव के कंटेंट्स होते हैं, लेकिन विशेष रूप से रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रु भाव के जो भी कंटेंट्स हैं वो लग्न में पहुंचाएगा। व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानी होगी, ऋण का साथ रहेगा और व्यक्ति रोगी होगा, रोग से परेशान रहते हैं, स्वयं के रोग से या अपने नजदीकी के भी रोग से ये परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसा भी गया देखा गया है प्रैक्टिकली कि कुछ अगर ग्रहों की पॉजिटिव स्थिति होती है कुंडली में तो व्यक्ति स्वयं रोगी नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उसकी माता या पिता उन रोग को लोग उनके रोग को लेके उसको तनाव होता है अक्सर, तो ऐसा देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में यह रोग से भी पीड़ित करने वाला होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि इस व्यक्ति को रोग होगा। किस प्रकार का रोग होगा? सूर्य से संबंधित रोग होगा। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डी से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग, बालों का झड़ना या गंजेपन की शिकायत है। ये सभी जो इफेक्ट्स होते हैं ये सूर्य के होते हैं, तो इससे संबंधित इसको नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। प्रथम भाव से इसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है। प्रथम भाव में सूर्य अपनी मित्र राशि पर स्थित है, लेकिन यहाँ से जब ये दृष्टि दे रहा है, अपने मित्र राशि में बैठ के जब ये दृष्टि देता है सप्तम भाव पर, तो हमने बात करी थी कि सूर्य की दृष्टि सदैव पोषण करने वाली होती है, तो यहाँ पर ये सप्तम भाव पे अपने पोषण करने वाली दृष्टि प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के जो कंटेंट्स हो जाते हैं, जो प्रभाव हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिवली बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का और रेगुलर इनकम का, तीनों से ही संबंधित, या फिर सप्तम भाव से अन्य भी रिलेटेड विषय जो हम बात कर चुके हैं। जब हमने पृथक से अलग से सप्तम भाव की बात करी थी तो हमने इसकी विस्तार से चर्चा करी थी कि सप्तम भाव के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। अगर आपको विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वह जानना है तो आपको सप्तम भाव से संबंधित पर्टिकुलर एपिसोड हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना चाहिए। तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी कि व्यक्ति को जीवन साथी एक अच्छा मिलेगा, गुणी मिलेगा, संभवतः व्यक्ति से योग्यता में वह बेहतर हो। पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए स्पेशली, और रेगुलर इनकम की अगर बात करें तो रेगुलर इनकम सदैव अच्छी होती है या
कंटिन्यूटी में बनी रहती है, ऐसा कह सकते हैं। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह सूर्य अपने भाव से पंचम भाव पर स्थित है। पंचम भाव होता है पदमान, प्रतिष्ठा और सम्मान का। ऐसी स्थिति में यह नवम भाव के सापेक्ष व्यक्ति को, व्यक्ति का पदमान प्रतिष्ठा के मामले में तो विशेष रूप से भाग्य साथ देगा ही। तो ऐसे भी लोग इन जनरल भी भाग्यशाली होते हैं कि यहाँ से इसका कारक लग्न में बैठा है, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा शुभ भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए भी ऐसे लोग लकी तो होते हैं। और पदमान प्रतिष्ठा के मामले में विशेष रूप से जब डेग्नेशन की बात आती है, कुछ पद मिलने की बात आती है या प्रमोशन की बात आती है, तो ऐसे लोग स्टक लकी होते हैं। दशम भाव के सापेक्ष ये देखें तो दशम भाव से यह सूर्य चौथे स्थान पर स्थित है और लग्न में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वेल सेटल्ड होता है प्रोफेशनली। प्रोफेशनली एक जल्दी उम्र में सेटल हो जाते हैं। एक उम्मीद है या प्रिडिक्शन जो आते हैं, केवल अगर सूर्य की बात करें तो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, बिजनेस को कम प्रायोरिटी देते हैं, नौकरी वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए छठा भाव होता है नौकरी का, सातवां भाव होता है, सप्तम भाव होता है व्यापार का। छठे भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित होता है तो लग्न को सीधे नौकरी से यह जोड़ने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी उम्र में ये एक बड़े पद की नौकरी या एक अच्छी डेजिग्नेशन वाली नौकरी को यह प्राप्त कर लेते हैं, उसमें अच्छा सर्वाइव भी करते हैं। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो एक नियम हम अगेन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कारको भाव नाशाय। पाराशर होरा शास्त्र का, पाराशरी का यह नियम है कि कारको भाव नाशाय। कारक जब अपने भाव में स्थित हो जाता है, अपने कारक भाव में कोई ग्रह स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला बन जाता है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक एवं लग्न भाव का कारक। तो लग्न भाव में यह अपने ही भाव में स्थित है, इसलिए यह लग्न का नाश करने वाला बनता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कि रोग की अधिकता देने वाला होगा, डायरेक्टली रोग को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर यह छठे भाव का भी स्वामी हो रहा है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम मीन लग्न की बात करते हैं तो मीन लग्न में सबसे बढ़िया जो स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पे मीन लग्न में ना ये छठे भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य। छठे भाव का जब स्वामी होता है, एक नेगेटिव भाव का स्वामी होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि पूजा पाठ के माध्यम से उसको सही कर लिया जाए। क्योंकि इसमें रत्न धारण नहीं कर सकते, यंत्र धारण कराने की स्थिति कमी रहती है। दान किया जा सकता है अथवा जब तप किया जा सकता है, जिससे कि इसके लगातार नकारात्मक प्रभाव कम हो और सकारात्मक प्रभाव बढ़े। देखिए सूर्य का दान भी उचित नहीं होता। सूर्य का दान जब होता है, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि सूर्य होता है आत्मा का कारक, कुंडली की भी आत्मा होता है ये, सफलता का दूसरा नाम सूर्य होता है, तो सूर्य के दान से बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भले ही छठे भाव का ये स्वामी हो रहा है, लेकिन जब इसके नेचुरल कंटेंट्स की बात करते हैं तो सूर्य सफलता का कारक है। तो दोनों ही स्थिति में देखिए इसके रत्न धारण नहीं कर सकते और इसका दान नहीं कर सकते। अब एकमात्र उपाय ये बचा कि किसी योग्य ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जाए। सूर्य के जाप और हवन के माध्यम से इसको शुभ किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की संभावना कम ही बनती है मीन लग्न की कुंडली में। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि प्रथम भाव में मीन लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य यदि मीन लग्न के द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।